विधि विभाग के पूर्व मंत्री कार्तिकेय कुमार का अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने इस बार खुलकर मीडिया से बातचीत की और इस बातचीत के दौरान मीडिया से अपने इस्तीफे का कारण भी बताया है। बता दें कि इस बातचीत के दौरान कार्तिकेय कुमार ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कार्तिकेय कुमार ने मीडिया से इस बातचीत के दौरान बताया कि बीजेपी नहीं चाहती है कि भूमिहार समाज से किसी को मंत्री बनाया जाए। वे कई बार मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर चुके हैं और कई तरह की तरकीबों का भी इस्तेमाल कर चुके हैं। इससे लोगों के बीच मेरी इमेज तो खराब हो ही रही थी, लेकिन साथ साथ पार्टी और मेरे नेता का भी छवि धूमिल हो रहा था। इसलिए मैंने इन सब चीजों से बेहतर इस्तीफा देना सही समझा। बता दें कि विभाग बदल दिए जाने को लेकर जब पत्रकारों ने कार्तिकेय कुमार से ये पूछा कि क्या इसे लेकर आपको कोई नाराजगी थी, तो इसके जवाब में पूर्व मंत्री ने कहा कि मुझे इससे कोई नाराजगी नहीं थी। सरकार के द्वारा मुझ पर भरोसा जताया गया था और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और मैं यह जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाना चाहता था, लेकिन बीजेपी के द्वारा मेरी इमेज बिगाड़ने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। इन्हीं वजह से मैंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और आज अपहरण केस की कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। इस केस से जुड़े फैसले आने के बाद सरकार मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसे पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाऊंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गन्ना उद्योग मंत्री कार्तिकेय कुमार ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए राज्यपाल फागू चौहान को अपनी अनुशंसा भेज दी। अब कार्तिकेय कुमार राज्य मंत्री परिषद के सदस्य नहीं रहे। कार्तिकेय कुमार के त्याग पत्र के साथ ही गन्ना उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता को सौंप दिया गया है। गौरतलब है कि कार्तिकेय कुमार को नीतीश मंत्री मंडल में जगह मिलते ही विवादों में घेर लिया गया था। उनके ऊपर आरोप था कि उनके खिलाफ कोर्ट से अपहरण के मामले में वारंट जारी किया जा चुका है। बता दें कि 2014 में राजीव रंजन को अगवा कर लिया गया था, जिसके बाद इस मामले में संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कार्तिकेय सिंह के खिलाफ वारंट जारी किया। कार्तिकेय सिंह ने अभी तक इस मामले में न तो कोर्ट के सामने सरेंडर किया है और न ही जमानत के लिए अपनी अर्जी दी है। इस मामले को लेकर विपक्ष का कहना है कि जिनके खिलाफ खुद गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा चुका हो उसे विधि विभाग का मंत्री कैसे बनाया जा सकता है। कार्तिकेय कुमार को बाहुबली अनंत सिंह के समर्थक कार्तिक मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। जानकारी है कि अनंत सिंह के लिए सभी राजनीतिक दांव पेच पर्दे के पीछे से कार्तिकेय की मदद से ही अनंत सिंह संभालते हैं। अनंत सिंह कार्तिकेय कुमार को खुद मास्टर साहब कहकर पुकारते हैं। कार्तिकेय राजनीति में आने से पहले स्कूल में शिक्षक थे। वहीं कार्तिकेय कुमार की पत्नी रंजना कुमारी लगातार 2 बार मुखिया भी बन चुकी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।